सो वेलकम बैक गाइज। तो आज मैं ओडिसी इवोकेस का रिव्यू बनाने आया हूँ, तो चलो आपको मोटो ब्लॉग करके दिखाऊंगा कि कैसा रहता है कैसा नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। सो लेट्स गो, बाइक पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है। आपको बाइक का थोड़ा बहुत फुटेज वगैरह आपने देख लिया रहेगा मेरे लास्ट वीडियो में, बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था चलाने का कैसा नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हुए थे वो मैं अभी कंप्लीट करूँगा। सो लेट्स गो। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं ओडिसी इवोकेस बाइक को, तो अभी फ़िलहाल ड्राइव मोड पे है ये, देखते कैसे रहते हैं। और भाई क्या बाइक है यार। एकदम अलग ही फील आता है, इलेक्ट्रिक बाइक जैसा फील तो नहीं आ रहा है बट एकदम शांत है बाइक, मतलब बोल सकते हैं कि एक नंबर है। देखते हैं इसको सिटी में भी चला के देखते हैं और थोड़ा ओपन रोड पे भी टेस्ट करके देखते हैं इसको। इसका पिकअप देखते हो, पब्लिक अट्रैक्शन लगती है बाइक। इस मोड पे इसको डालेंगे और देखते हैं इसका टॉप स्पीड कितना रहता है। तो ये वसई का सन सिटी एरिया है, वहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कैसा रहता है, देखते चलो। इसके ब्रेक्स भी एकदम लग रहे हैं, अच्छे से लग रहे हैं यार, एक नंबर है। और पिकअप का तो भाई साहब, अगर आप चला रहे हो और अचानक से ब्रेक पे हाथ डालते हो तो गाड़ी तुरंत स्लो हो जाती है, देख सकते हो। थोड़ा सा जर्क फील होता है ब्रेक का और सस्पेंशन का तो ज़रा भी फील नहीं होता, एक नंबर चलती है गाड़ी। मज़ा ही आ जाता है मोटो ब्लॉक करने का इससे। तो अभी देखते हैं ये पिकअप कितना लेती है। तो इसका पिकअप ज़्यादा है, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे भाग रही है अपनी गाड़ी। 80 किलोमीटर पर आवर टॉप जाती है स्पोर्ट्स मोड पे, जो स्पोर्ट्स मोड या एस मोड बोल देंगे, तो उतने पे गाड़ी 80 पे टच होती है। लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉप स्पीड, कितना ज़्यादा स्पीड ले सकता है वो ट्राई करेंगे डी मोड में। सिक्सटी तो क्रॉस कर ही देते हैं आराम से, नॉर्मल बाइक जैसा पोजीशन लगता है, बट जब आप चलाते हो ना इसको तो वो अलग ही फील आता है। अब इसकी टॉप स्पीड ट्राई करता हूँ डी मोड पे कितनी जाती है। अभी 62, 63 एंड 64, बहुत स्लो जा रहा है, बट 65 इसकी टॉप स्पीड हो रही है। सो डी मोड में 65 टॉप जाता है ये, आपको दिखता होगा। तो 65 इज़ द टॉप स्पीड ऑफ ओडिसी इवोकेस डी मोड पे, और एस मोड पे जब आप चलाते हो इसे तो इसकी टॉप स्पीड आती है 80। सो 80 पे लॉन्ग हो जाता है और ये यहाँ पे 65 पे लॉन्ग हो जाता है। बट यार सीटिंग पोजीशन फैब है इसकी भी यार, सही बता रहा हूँ, एक नंबर लगी। और ये बम्पर उड़ाया हमने पहला, सो इतना भी ज़्यादा फील नहीं हुआ मुझे। हम गली वाले एरिया में जाएंगे कि बाइक की कैसी फील होती है। पब्लिक रिएक्शन देखोगे तो पब्लिक देख रही है इसका आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं। इसे हम और छोटे गलियों में टेस्ट करेंगे कि ये बाइक चलाने लायक है कि नहीं वहाँ पे भी। सो लेट्स गो एंड सी। इंडिकेटर्स की आवाज़ नहीं है इसमें, सो इट्स वेरी क्वाइट, लेट्स सी नाउ। सो ये एरिया चुलना एरिया है,
भाई यार, मतलब पब्लिक के बीच में बाइक लेके घूमोगे तो पब्लिक देखती है, लिटरली देखती है। अभी मैं जो गली से निकलने वाला हूँ वहाँ पे बहुत पब्लिक रह सकती है। इट्स रियली ऑसम। अगर इवोकेस की बात की जाए तो ये लोग कंपनी वाले क्लेम देते हैं कि 140 किलोमीटर से चलती है, तो ये अभी फुल चार्ज है और मैंने अभी समथिंग चलाया रहेगा 30 किलोमीटर समथिंग भी मुश्किल से चलाया रहेगा, बट येस इट्स ऑसम। अभी तो लग मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ लगा नहीं इसमें, बस नॉर्मल बाइक वाली फीलिंग आती है, बस आवाज़ नहीं है इसमें। सेफ्टी मेजर्स देखा जाएगा तो इसका ब्रेक तुरंत लग जाता है, तो अलग ही लेवल की ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें, जैसे तुरंत लग जाती है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसमें शॉकअप्स वगैरह कैसा है क्या नहीं, तो उसमें आपको देख के पता चल ही गया होगा कि कैसा इसका सिस्टम है, सब स्पेक्स क्या है, सब स्पेक्स आपको देखने मिल गए रहेगी मेरे लास्ट वीडियो में। सो ये एक मेरा मोटो ब्लॉगिंग बनाने का मन किया था कि मैंने GoPro लिया तो मोटो ब्लॉग करूँ, तो क्यों ना मैं इवोकेस को लेके ही करूँ इलेक्ट्रिक बाइक को। सो ऐसा कुछ अपना ईवी बाइक दिखता है, एक नंबर लगता है बाइक। फिलहाल तो पब्लिक देख रही है मुझे कि ये कौन सी बाइक है, बट यस इट्स ऑसम यार। ये बाइक भी कम नहीं है पेट्रोल से यार, सही सोच है बनाने में। एस मोड पे डाला एंड देन इट्स लाइक वाओ, सीरियसली वाओ, इट फील्स लाइक मक्खन। और पब्लिक देख रही है मुझे कि यार ये क्या चीज़ जा रही है, आवाज़ क्यों नहीं है इसका। यस फील्स लाइक मक्खन। थोड़ा सा पिकअप का आवाज़ आ रहा है वू करके, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का जो साउंड आता है आपको पता ही रहेगा जैसे रहता है, वैसा थोड़ा सा साउंड आता है। नॉर्मल बाइक की तरह ही चलती है, कुछ अलग फील नहीं आता है इसमें, बट यार बस साउंड नहीं है, और साउंड नहीं है तो नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा ज़्यादा। ये भी एक सेफ्टी अलग से मेजर्स है इसमें। और स्पोर्ट्स मोड में तो भागती है गाड़ी, एक नंबर भागती है। इसका हॉर्न भी है, अच्छा हॉर्न है, पूरा एरिया बज रहा है यहाँ पे, पब्लिक देख रही है मुझे क्यों मार रहा है हॉर्न। सो अभी हम लोग आगे हैं, वैसे कि अग्रवाल्स एरिया क्रॉस किया और अभी हम लोग स्टेला एरिया से वापस जाएंगे ओडीसी मोटर्स के पास, राइड इलेक्ट्रो जो अपना केटी विलेज डीजी नगर के पास लोकेट करता है। तो अभी सिटी में देखते हैं कि कैसी लगती है बाइक, सिटी में चला के दिखा रहा हूँ आपको, एक नंबर फैब स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा हूँ मैं अभी। और राइडिंग में भी मज़ा आएगा हाईवे साइड पे, 80 क्रॉस करते हो बस है भाई लोग, सही है गाड़ी, लेनी चाहिए गाड़ी, 150,000 तक तो वर्थ इट है ये गाड़ी। वाटर प्रूफिंग के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें ना है, इतना भी बुरा नहीं है बट है इसमें, बस उसके एक सर्टेन हाइट तक पानी गया तो ही अपना हो सकता है डैमेज, वरना ये है थोड़ा, इतना भी बुरा सीन नहीं है इसका वाटर प्रूफिंग का। बट येस यू शुड प्रिवेंट, थोड़ा तो प्रिवेंट कॉशंस लेने पड़ते, थोड़े तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी ठीक है, एक नंबर है। ओके सो ट्रैफिक आ गई है, सो डी मोड में डालते हैं। अंकल मुझे देख रहे हैं, अंकल लुक दे रहे हैं, ये क्या है भैया, इलेक्ट्रिक बाइक है ये। एक बात बता दे तो कैसा फील हो रहा है पता है, ये बाइक ऐसा फील हो रहा है जैसे सुपर बाइक विद नो साउंड, और ऐसा मन कर रहा है कि चलाते जाओ रुको ही ना, पब्लिक भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बट यस साउंड नहीं आता तो मज़ा नहीं आता, वो एक है इसका, इट फील्स डिफरेंट राइट, सीरियसली इट फील डिफरेंस। आप नॉर्मल बाइक से थोड़ा डिफरेंस निकल सकते हो, आपको शॉप का एड्रेस भी पता चल जाएगा मेरे मोटर व्लॉगिंग करते करते। सेम यार, साइकिल जैसे ही फीलिंग आती है, साइकिल जैसे सस्पेंशन की आवाज़ आते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वैसी ही फीलिंग आती है इसमें भी। और बाकी तो एक नंबर है, मज़ा आ जाता है चलाने का, बिकॉज नो साउंड नो एनीथिंग, थोड़ा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है थोड़ी। स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी क्योंकि पिकअप ज़्यादा है, ज़्यादा पावर लगेगा। बाकी तो इसमें
ईवी चलाने में मज़ा ही आ जाता है। और बाबू राव रिक्शा वाले अपने कॉलेज वाले लोग के लिए ये सही बाइक है, सच बता रहा है, एक नंबर बाइक है भाई। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ये बाइक का, जैसे कि आपने देख ही लिया रहेगा पूरे रास्ते पे, एक नंबर है। तो आई होप कि आपको ये बाइक पसंद आई होगी। तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें जैसे स्पोर्ट मोड है, डी मोड है, पार्किंग मोड है और रिवर्स मोड भी है, जिस पर आपकी गाड़ी ना ऐसा रिवर्स जाती है। तो ऐसा कुछ अपनी गाड़ी रिवर्स जा रही, मैंने पैर ऊपर रखे और ये 2K स्पीड से जाती है, मैक्सिमम 3 किलोमीटर पर आवर। यस, इट्स 3 किलोमीटर पर आवर पे ये मैक्सिमम जा रही है आगे, मतलब पीछे सॉरी। अपनी इवोकिस की मोटो ब्लॉगिंग यहीं पर समाप्त होती है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा।